नमस्कार, आप देख रहे हैं सीहोर लाइव 24 न्यूज। मैं हूं विमल राय। आइए बात करते हैं आज शहर की प्रमुख खबरों की। सीहोर में सब्जी बेचने से भाड़ा भी नहीं निकलने पर किसानों के खेत में सड़ने को छोड़ी सब्जियां। सीहोर जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर बिजोरी गांव के अधिकांश किसान सब्जी की खेती करते हैं। बिजोरी से टमाटर, बैगन, भिंडी, आलू इंदौर और भोपाल तक जाते हैं। इस गांव में 5 एकड़ वाला किसान कम से कम 1 एकड़ में तो सब्जी करता ही है। लॉकडाउन जब से लागू हुआ है तब से लॉकडाउन ने किसानों की कमर तोड़ दी है। किसानों की सब्जी की खेती करने का एक मुख्य कारण यह है कि मिट्टी काली है और पानी पर्याप्त है। कहते हैं काली मिट्टी और पानी पर्याप्त हो तो किसान का खेत सोना उगलता है, लेकिन सोना उगलने वाले खेतों से इस समय टमाटर, बैगन सड़ने की बदबू आ रही है। लॉकडाउन के कारण किसानों के सब्जी बेचने पर भाड़ा भी नहीं निकल रहा है। किसानों ने सब्जी खेत में ही सड़ने को छोड़ दी है और कुछ किसान सब्जी तोड़कर पशुओं को खिला रहे हैं तो कुछ अगली फसल के लिए खेत तैयार करने ट्रैक्टर चलवा रहे हैं। बिजोरी के किसान ने बताया है कि इस समय मंडी में 1 कैरेट टमाटर 35 से 50 रुपए का बिक रहा है। टमाटर तोड़कर मंडी तक पहुंचाने पर इससे ज्यादा खर्चा हो जाता है। गांव से सीहोर मंडी तक 1 कैरेट टमाटर का 10 रुपए से ज्यादा भाड़ा लगता है, 400 रुपए मजदूर ले लेता है। ऐसे में 1 कैरेट पर 10 से 15 रुपए का नुकसान हो रहा है। किसानों की मांग है कि हमारी जो सब्जियां खराब हुई हैं, उनका पटवारी द्वारा सर्वे कराकर हमें हमारी खराब हुई फसलों का दाम मिल सके, जिससे हम अपना घर चला सकें, जिससे हमारा जो नुकसान हुआ है उसकी कुछ भरपाई तो हो पाए ताकि हम अगली फसल की तैयारी। ये बताइए क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम दीपेश राठौर है, ग्राम पंचायत बिजोरी से सरपंच हूँ। हम देख रहे हैं कि आप सब्जियों को तोड़कर मवेशियों को खिला रहे हैं, किस प्रकार की दिक्कतें आ रही है आपको? जी हमको ये दिक्कत है कि लॉकडाउन जो चल रहा है, लॉकडाउन के कारण जो है कि फसल का आयात निर्यात बंद हो गया है पूरी तरीके से। सीहोर के अंदर फसल जो है इतना ज्यादा लग नहीं पाती है, सीहोर के अंदर खपत नहीं है। आयात और निर्यात बंद होने के कारण फसल के दामों में भारी गिरावट आई है, जिसके कारण हमें जो है कि पशुओं को खिलाना पड़ रहा है, तोड़ के ले जाने में हमें घाटा हो रहा है, मजदूरी भी नहीं निकल पा रही है, इसके कारण हम जो है कि खेतों को खाली कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप सरकार से? सरकार से हमारा एक ही निवेदन है कि जिस किसान ने भी सब्जी लगाई है, अगर उसको आर्थिक नुकसान हुआ है तो पटवारी साहब को भेज करके सर्वे करा करके उनको उचित मुआवजा देने की कृपा करें। ये बताएं क्या नाम है आपका? राहुल राठौर। हम देख रहे हैं कि आप टमाटर की जो है फसल को तोड़कर मवेशियों को खिलाने, किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आपको? सर इसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। ये लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस आ गया है, तो इस कारण क्या है कि ये फसल बिक नहीं पा रही है। और उसके बाद चलें तो यहाँ से ले जाने का भाड़ा 10 रुपये पड़ जाता है। उसके बाद मजदूरों की तोड़ाई ज़्यादा महंगी है। एक मजदूर 150 रुपये का आता है, दिन भर में 4 कैरेट तोड़ता है और माल बिक रहा है 50-60 रुपये कैरेट, उसमें 20 से 30 रुपये का तो खर्चा आ जाता है। उसमें लागत ही बहुत ज़्यादा हो रही है, बचत कुछ नहीं हो रही है, तो इस कारण से वहाँ पर ले जाना भी नुकसान है। तो इस कारण मवेशियों को खिला रहे हैं, खेत खाली करना है अगली फसल के लिए। क्या चाहते हैं आप सरकार से? सर आर्थिक स्थिति में मतलब सरकार से ये चाह रहे हैं हम कि मतलब जो भी हमको क्षति हुई है उसका सर्वे कराकर सरकार से ये निवेदन है कि सभी किसान भाइयों को मुआवजा दिलवाया जाए, बस यही विनती करते हैं सरकार से। सीहोर में लॉकडाउन का हुआ असर कम, अब खुल सकेंगी दुकानें। सीहोर भी ग्रीन जोन में शामिल है, जिसके तहत सीहोर जिले को कुछ रियायतें दी हैं। आज सीहोर कलेक्टर ने आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब हार्डवेयर, सीमेंट, ट्रैक्टर पार्ट्स, कृषि आधारित हार्डवेयर, कीटनाशक, कृषि यंत्र की दुकानें, ग्रीष्म में पेयजल से संबंधित मोटर पंपों की दुकानें, कूलर पंखों की रिपेयरिंग की दुकानें लॉकडाउन में आज से खुलने की छूट रहेगी। साथ ही वैवाहिक कार्यक्रम और कुछ श्रेणी की दुकानों को खोलने की सशर्त अनुमति जारी कलेक्टर अजय गुप्ता ने की है। विवाह के लिए SDM से अनुमति के बाद वर वधु पक्ष से 10-10 लोगों के शामिल रहने की अनुमति होगी। हमारी और भी खबरें देखने के लिए आप हमें YouTube पर ज्वाइन करें, साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। खबरों में अभी इतना ही, नमस्कार।